नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएमएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ कनिका। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ अहम खबरों के साथ। अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं और किसी दुकान में आपको 100 से लेकर 2000 तक का नोट दिया गया है तो सावधान हो जाइए, वह नोट नकली भी हो सकता है। जी हाँ, गाजियाबाद पुलिस ने 7 ऐसे आरोपियों को गिरफ्तार किया है जो नकली नोट छापते थे। इनके काम करने का तरीका कॉर्पोरेट को भी मात दे दे या उस प्रेस एजेंसी को भी फेल कर दे जो इंडियन करेंसी छापती है। महज कुछ मिनट और देखिए किस तरीके से 200 रुपए के नोट छप के तैयार हो गए। इस प्रिंटर से छपे नोट को देखकर धोखा मत खा जाइएगा। बिल्कुल असली से दिखने वाले ये नोट जाली हैं। ये नोट गाजियाबाद में छप रहे हैं जिनको पुलिस ने बरामद किया है। साथ ही पुलिस ने 7 लोगों को हिरासत में ले लिया है। सर, ये जाली नोट छापने वाले गैंग का खुलासा गाजियाबाद पुलिस ने किया है। 7 लोग गिरफ्तार हैं। सर, क्या मामला है, किस तरीके से नोट छापते थे, क्या कुछ रिकवरी इनसे हुई है? इसमें हमें मुखबिर के माध्यम से सूचना मिली थी कि कुछ लोग हैं जो जाली भारतीय नोट जो है उनको बनाने का काम कर रहे हैं। मुखबिर की सूचना के आधार पर इनको मौके पर जाके दबिश दी गई, तो वहाँ से 3 लोग बरामद हुए। उनकी जो निशानदेही पे हमें जो एक यूनुस जो मूल व्यक्ति से घर पे सारा काम हो रहा था वहाँ पे जाके दबिश दी गई, तो वहाँ पे मौके पर बाकी लोग मिले और जो भी सामान और मशीनें इसमें इस्तेमाल करते हुए सारी चीज़ें मिली। मामला पूरा यूँ था कि इसमें मूल व्यक्ति जो है आज़ाद, जो कि इसका मास्टरमाइंड कहा जा सकता है, उसके दिमाग का मूल उपस्थिति कि हम नकली नोट इस तरीके से बनाकर प्रिंट करके मार्केट में चला सकते हैं। उसने अपने बाकी दो साथियों यूनुस और सोनू इनके साथ मिलकर ये काम शुरू किया। घर पर एक प्रिंटर के माध्यम से एक तरीके से जाली नोट बनाने का काम शुरू किया। इसके अलावा इनके जो बाकी साथी हैं अमन, आलम और फुरकान, इनका जो मूल काम था वो इन नोटों को ले जाके मार्केट में बाहर दुकानें हैं उनको सप्लाई करना था। फिर दुकान वाले अपने अपने हिसाब से इन जाली नोटों को असली नोटों के पीछे मिलाकर चला देते थे। इसमें जो इनका आपस में काम डिस्ट्रीब्यूशन था कि कोई आदमी प्रिंटिंग काम कर रहा है, कोई कटिंग का काम कर रहा है, कोई आदमी उसमें जो टेप सिक्योरिटी टेप टाइप का जो होता है उसको लगाने काम कर रहा है, तो इसमें आपस में इस तरीके से काम का डिस्ट्रीब्यूशन भी हो रखा था। सर, ये जो नोट छापे जा रहे थे क्योंकि मार्केट में चलाए जा रहे थे काफ़ी संख्या, पहली बात तो सर ये है कि कब से काम किया जा रहा था, कितने नोट जाली नोट चलाए जा चुके हैं, और सर इसकी क्वालिटी मतलब इतनी बेहतर कैसे है कि लोगों की पहचान में नहीं आ पा रहे थे ये जाली नोट है? जहाँ तक कि काम शुरू करने की बात है तो इन्होंने मई 2021 में आज़ाद ने ये काम शुरू किया था और अब तक लगभग 15 से 17 लाख रुपये जो इसने बताए हैं कि ये इनकी प्रिंटिंग कर चुका है, जिनमें से 11 से 12 लाख रुपये मार्केट में उतर चुके हैं। जहाँ तक क्वालिटी की बात है तो क्वालिटी इनकी काफ़ी रिफाइंड है, तो अगर कुछ असली नोटों के बीच में नकली नोट डाल दिए जाएँ तो पहचानना काफ़ी मुश्किल है। हाँ सर, कब से काम कर रहे थे? दूसरा ये कि सर कमीशन पे भी ये आगे नोट लोगों को आगे दे रहे थे कि कितना कमीशन पे सर लोगों को ये मुहैया कराए जा रहे थे? काम ये 8 महीने से कर रहे थे और जो सप्लाई की बात है इन पर मूलतः 3 गुने का जो कॉन्सेप्ट था कि आप अगर 1000 के असली नोट दे रहे हैं तो आपको 3000 के नकली नोट मिलेंगे, प्लस जो बीच में सप्लायर थे उनका 20% का कमीशन होता था इसमें। इनसे जो बरामदगी है, इनसे जो जाली नोट हैं वो लगभग 6,59,000 रुपये के जाली नोट बरामद हुए हैं, जिसमें 100 रुपये से लगा करके 2000 रुपये तक के सारे डिनोमिनेशन हैं। इसके अलावा उनको प्रिंट करने के लिए जो प्रिंटर यूज़ किया रखे 2 प्रिंटर हैं, कटर हैं, फर्मे हैं, नापने के लिए पैमाना है और ये सारी चीज़ें। नहीं, इस संबंध में अभी तक ऐसी कोई जानकारी सामने नहीं आई है, इस पर आगे पूछताछ की जाएगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।